ग्वालियर पुलिस स्टेशन अंतर्गत बढ़ते हुए जबरन चोरी, घर फोड़ी, वाहन चोरी जैसे आपराधिक मामले को गंभीरता से लेते हुए ग्वालियर पुलिस क्राइम ब्रांच शाखा के अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की मदद से मोबाइल स्नैचिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अपराधियों को 4 अगस्त को अपनी गिरफ्त में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों में आकाश मनोहर पवार, जूचंद्र नायगांव, नितिन सीताराम थोराट चिंचौटी, गौरव महेश सिंह चिंचौटी गांव, मोहम्मद तारिक तलक शेख वाकनपाड़ा नाला सपारा पूर्व मुख्य आरोपी हैं। गिरफ्तार किए हुए चारों आरोपियों पर पहले से भी नाला सपारा और ग्वालियर पुलिस स्टेशनों में मामले दर्ज है। ग्वालियर क्राइम ब्रांच टीम ने पुलिस उपायुक्त संजय कुमार पाटिल, सहायक आयुक्त अमोल मांडवे, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक कैलाश बर्वे की अगुवाई और राहुल कुमार पाटिल के नेतृत्व में आरोपियों के पास से 2,53,000 के सोने चांदी के जेवर, कैश, मोबाइल और इन आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिए हैं। ओके न्यूज वसई। ग्वालियर पुलिस स्टेशन के एरिया में जो मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, उस हाईवे पे पिछले 7 दिनों में मोबाइल स्नैचिंग के आपने रेलवे स्टेशन नायगांव जो ईस्ट वगैरह है वहाँ के टू व्हीलर जाने कुछ चोरी की केसेस में बढ़ोतरी हो गई थी। पिछले 7 दिनों में ऐसे 11 केसेस हुए कि जहाँ पे रॉबरीज हुई हाईवे पे, तो एक बड़ा चैलेंज था ग्वालियर पुलिस स्टेशन के सामने। तो ग्वालियर का जो डिटेक्शन ब्रांच है और यहाँ के सीनियर के आए बाकी स्टाफ ने कड़ी मेहनत करके उनका जो कॉन्टैक्ट्स है, इंटेलिजेंस है उसका और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर उन्होंने 4 आरोपी अटक किए हैं। उनके अरेस्ट में लगभग 15 गुने डिटेक्ट हुए, उसमें 4 रॉबरीज, बाकी घर फोड़ीज और टू व्हीलर रिकवर हुई है। टोटल 2,53,000 रुपये का माल रिकवर हुआ है। सर कितने आरोपी है और क्या इनका बैकग्राउंड क्या था? क्या टोटल 4 आरोपी है और 20 से 25 साल का एज ग्रुप है और इनके 4 में से 2 आरोपियों पे पहले के केसेस हैं चोरी के, तो नए क्रिमिनल है। सर ये क्या करते थे मोबाइल के? ये मोबाइल खींच के उनको बेचने का काम करते थे, लेकिन पिछले 7 दिनों में रिसेंटली ये जमा किए थे उन्होंने मोबाइल, तो उन्होंने बेचने के पहले ही हमने आईफोन या मोबाइल बेचने के बाद महंगा रहेगा तो कंप्लेंट करते हैं, IMI ट्राई प्रेस होता है तो उसके वजह से वो बहुत बार स्क्रीन वगैरह ऐसे फोड़ के स्पेयर पार्ट बना के भी बेचते हैं। अपने वाली नाला सपारा के एरिया में नशे के लिए भी क्राइम करने की ट्रेंड है, जो चरस गांजा पीते हैं, इसके वजह से माननीय सीसी सर ने भी इंस्ट्रक्शन दिए कि बड़े पैमाने पे जो आसे नशेड़ी जो अड्डे हैं उस पर एक्शन किया जाए। अभी पिछले महीने ही हमने लगभग 50 केसेस वसई गुजरात एरिया में हमने एक महीने में किए हैं, तो एक ट्रेंड है, तो उनका भी हम रिकॉर्ड बना रहे हैं, जो भी है मिल रहे हैं उनका फोटो वगैरह और सब हम जमा कर रहे हैं उनके, आगे जाके ऐसे गुने होंगे तो उनके भी हम टारगेट करने लगे हैं।